तो कैसे हैं आप लोग? सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ गेमिंग एंड टेक यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्टेल्थ बेस्ड गेम्स की। तो गाइस, अगर आपके पास लो स्पेक पीसी है और आप स्टेल्थ बेस्ड गेम खेलना चाहते हैं, भाई साइलेंट किलिंग की गेम, आपको ऐसा गेम खेलना है जिसमें साइलेंट किल्स होते हैं, नाइफ से किल करना पड़ता है, हिटमैन जैसा गेम खेलना है, तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बढ़िया गेम स्टेल्थ के बताने वाला हूँ जिनमें आपको ग्राफिक्स भी अच्छे मिल जाते हैं। और सारे गेम्स जो हैं वो लो स्पेक पीसी के लिए हैं, लो एंड पीसी के लिए हैं, 2GB रैम है और ड्यूअल कोर प्रोसेसर है और नो ग्राफिक कार्ड, इंटेल एचडी ग्राफिक्स है। तो गाइस, मैं सारे गेम्स जो हैं आपको स्टीम पे दिखाने वाला हूँ, जिससे गाइस जो रिक्वायरमेंट्स आएंगे आपके पास वो रियल आएंगे और स्क्रीनशॉट्स आएंगे वो भी ऑफिशियल स्क्रीनशॉट्स आएंगे एकदम क्लियर। तो गाइस, हमारी लिस्ट का जो पहला गेम है वो है हिटमैन एब्सोल्यूशन। अगर आपने नाम सुना हो तो बहुत ज्यादा अच्छा गेम है। इस गेम के ग्राफिक्स की बात की जाए तो बहुत हैवी ग्राफिक्स हैं और थोड़ा सा बड़ा गेम है। गाइस, ये मैं प्ले करता हूँ, मेरे पास भी है ये गेम। तो पहले बात कर लेते हैं थोड़ा स्क्रीनशॉट्स की। तो भाई क्या स्क्रीनशॉट है, मतलब कितना तगड़ा गेम लग रहा है। गाइस, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। इधर गाइस आपको साइलेंट किलिंग पूरी मिलती है, नाइफ के साथ भी आप किल कर सकते हैं, हैमर के साथ किल कर सकते हैं, आपको साइलेंट पिस्टल देखने को मिल जाती है, नॉर्मल पिस्टल भी देखने को मिल जाती है, साइलेंट पिस्टल देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे AK-47 और मशीन गन जैसी बड़ी बड़ी गन्स भी और स्नाइपर के किल्स भी होंगे। तो बहुत बढ़िया स्क्रीनशॉट्स हैं, बहुत बढ़िया गेम है, 20 मिशंस हैं और बहुत अच्छी इंप्रेसिव स्टोरी लाइन है। तो गाइस, मैं भी इस गेम को खेलता हूँ, प्रेजेंट में भी खेलता ही हूँ। और मैं इस गेम की अगर आपको बात करता हूँ, मैं साइज की, मुझको गाइस साइज पता है, इसकी साइज कुछ 25GB है, 24-25GB। और सेटअप मैंने करा था तो मेरे को वो 10GB का पड़ा था। तो थोड़ा सा यू नो बड़ा गेम है बट बहुत अच्छा गेम है, 20 मिशंस है। अगर आप इस गेम को रोज 3-3 घंटे खेलोगे ना, वो भी एकदम तगड़ी एक्सट्रीम डिफिकल्टी पे, प्योरेस्ट पे, जब जाके गाइस आपका गेम जो है 2 महीने में होगा खत्म। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू ड्यूअल कोर सीपीयू चाहिए, कोई भी हो इंटेल या एएमडी का काम कर जाएगा, 24GB हार्ड ड्राइव स्पेस, 2GB रैम और नॉर्मल सा इंटेल का HD ग्राफिक कार्ड, DirectX 10 यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इंटेल HD ग्राफिक्स DirectX 11 सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे DirectX का जो इशू है वो आपके पास नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा गेम है, ट्राई करो, स्टेल्थ बेस्ड गेम खेलना है तो इससे अच्छा गेम कोई नहीं मिलेगा आपको। हिटमैन की फ्रेंचाइजी जो है वो हमेशा सबसे अच्छी फ्रेंचाइजी रहती है। तो अब गाइस इस लिस्ट का जो है दूसरा गेम आने वाला है, दूसरा बहुत अच्छा गेम होगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा गेम, क्योंकि गाइस मैं इस वीडियो में जितने भी गेम्स दिखाऊंगा सारे मैंने आपको बता दिया है, स्टीम पे दिखाऊंगा मैं, जिससे आपको ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स पता पड़ जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं मैंने मेरा स्टीम ओपन कर दिया है और यहाँ पे मैं सर्च मारता हूँ दूसरा गेम, कॉन्विक्शन नाम है। गाइस पूरे गेम का नाम टॉम क्लेंसीज स्पेंटर सेल कॉन्विक्शन है, काफी बड़ा नाम है, इसलिए गाइस मैं खाली कॉन्विक्शन ही सर्च मार रहा था। बाकी का बात करते हैं स्क्रीनशॉट्स की, भाई बहुत इंप्रेसिव स्क्रीनशॉट्स, बहुत इंप्रेसिव स्टोरी लाइन है। गाइस ये गेम भी मैं खेलता हूँ, मेरे पास ऐसा गेम प्ले पड़ा है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा वीडियो के एंडिंग में। लेकिन गाइस मुझे इस गेम के बारे में ज्यादा नहीं पता, हाँ रिक्वायरमेंट लो एंड पीसी वाली है, स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे हैं, स्टेल्थ पूरी है, यहाँ पे आप नाइफ से किल्स कर सकते हैं, वेपन सारे हैं, स्नाइपर AK-47 पिस्टल से लेके सब मशीन गन, बड़ी बड़ी मशीन गन तक भी है। उसके अलावा यहाँ पे आप टॉर्चर वाले किल भी कर सकते हैं, भाई सर पकड़ के दीवार से फोड़ दिया, ये भी यहाँ पे थोड़ी फाइटिंग आपको देखने को मिल जाती है। और गाइस मेरे पीसी में भी एक गेम है, मैं भी इस गेम को प्ले करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये रहा गाइस प्ले स्प्लिंटर सेल कॉन्विक्शन, मैंने खुद ने इस गेम को इंस्टॉल कर रखा है। और इस गेम की गाइस आपको इस गेम के लिए 14-15GB शायद हार्ड ड्राइव स्पेस की जरूरत पड़ती है और इस गेम का सेटअप जो है वो 5-6GB का होता है लगभग। लेकिन स्क्रीनशॉट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव स्टोरी लाइन है। और अगर गेम खेलना है, स्टेल्थ बेस्ड गेम खेलना है और लो एंड पीसी है, ड्यूअल कोर प्रोसेसर है, 2GB रैम है, तो इसको ट्राई करो इंटेल एचडी ग्राफिक्स है, तो क्योंकि इसके जैसा गेम नहीं मिलेगा। गाइस इस गेम में आप शेडो बना सकते हो खुद की, लाइट आप वाइट फोड़ोगे तो आपकी शेडो बन जाती है और फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारे एनिमीज आते हैं जिनको आप छुप के यू नो किल कर सकते हो। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा गेम है, ट्राई करो। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट्स हैं, सारे एक से एक स्क्रीनशॉट्स हैं। और बढ़ते हैं आगे के स्क्रीनशॉट्स की तरफ, हम सारे स्क्रीनशॉट्स पे नजर डालेंगे। तो बहुत अच्छे स्क्रीनशॉट्स हैं यार, बहुत अच्छा गेम लग रहा है, गाइस ट्राई करना इस गेम को, पक्का से ट्राई करना, क्योंकि एक ऐसी स्टेल्थ है इसमें भी। भाई हिटमैन, अगर आपने हिटमैन नहीं खेला है, अगर गाइस आपने हिटमैन एब्सोल्यूशन नहीं खेला है और आपको लो एंड पीसी में खेलना है या लो एंड पीसी आपको गेम हिटमैन जैसा खेलना है तो आप हिटमैन को पहले ट्राई करना। अगर आपने हिटमैन एब्सोल्यूशन खेल रखा है, क्लियर कर रखा है, तो फिर आप इस गेम के साथ जाना, क्योंकि ये गेम हिटमैन से कम है लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके लिए आपको गाइस 14-15GB भी नहीं चाहिए, खाली 10GB चाहिए।
हिटमैन से थोड़ी कम रिक्वायरमेंट है। उधर 512 एमबी का आपको मिनिमम ग्राफिक कार्ड चाहिए था, यहाँ पे आपको 256 एमबी का ग्राफिक कार्ड चाहिए, लेकिन दोनों गेम जो इंटेल एसडी ग्राफिक में चल जाएंगे। डायरेक्ट एक्स 9 का होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। नॉर्मल सा 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का कोर स्टूडियो प्रोसेसर और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का एएमडी एथलॉन, ठीक है। उसके अलावा 1.5 GB रैम में भी चलेगा, अच्छा 2 GB रैम में भी अच्छा चलेगा। तो गाइस बहुत अच्छा गेम है, ट्राई करो। अगर स्टेल्थ बेस्ड गेम खेलना है और आपने ये गेम नहीं खेला है तो इसको ट्राई करो, ठीक है। अब गाइस हमारी लिस्ट का जो है आने वाले गेम्स भी आने वाले हैं, अगले गेम्स भी आएंगे। तो गाइस ये भी मैं हिटमैन खेल रहा हूँ गाइस, लेकिन ये वाला जो हिटमैन है इसके स्पेक्स थोड़े से भारी है, थोड़े क्या बहुत भारी है। वो कोर टू डियो में चलने वाला है, ये i5 में चलने वाला है, तो ये थोड़ा सा हैवी गेम पड़ जाता है। उसके बाद गाइस इस गेम में भी ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है, जैसा आप गेम प्ले देख पा रहे हो वैसे ही गेम प्ले आपको हिटमैन एब्सोल्यूशन में भी मिल जाएगा। अगला गेम जो गाइस नई लिस्ट का आता है वो आता है स्नाइपर इलाइट 2। स्नाइपर इलाइट 4 के काफी हैवी रिक्वायरमेंट है, स्नाइपर इलाइट 2 फिर भी अच्छा गेम है और लो स्पेक पीसीज के लिए तो बहुत अच्छा है भाई। स्टेल्थ बेस्ड गेम है, आपको मैं सारे स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूं गाइस। जैसा कि आपने नाम पढ़ा हुआ तो आप सोच रहे होंगे कि यार स्नाइपर इलाइट नाम है यार, इसमें तो खाली स्नाइपिंग ही स्नाइपिंग होगी, लेकिन गाइस नहीं, स्नाइपर इलाइट की स्ट्रेटजी, स्नाइपर इलाइट की जो फ्रेंचाइजी है उन्होंने सारे गेम्स में स्टेल्थ भी दिया है। अब मैं बताता हूँ आपको स्टेल्थ का स्क्रीनशॉट, इन सारे स्क्रीनशॉट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारे वेपन्स हैं, FPS शूटिंग है, स्नाइपर की शूटिंग बहुत अच्छी दी गई है, लेकिन यहाँ पे स्टेल्थ भी बहुत तगड़ा है। यहाँ पे आप नाइफ से भी इवन किल्स कर सकते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे इन सारे स्क्रीनशॉट्स में, आपको उसका भी एक स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही तगड़े स्क्रीनशॉट जैसे सारे आप देख पा रहे हो एकदम क्लियर, और भाई क्या तगड़े मतलब किल्स हैं, क्या तगड़ा मतलब गेम दिख रहा है देखने में यार। अच्छा गेम है, बहुत स्टेल्थ बेस्ड गेम है, ट्राई नहीं करा तो इसको भी ट्राई करो एक बार। बात कर लेते हैं आपकी स्टेल्थ का स्क्रीनशॉट आने वाला है गाइस बस थोड़ी देर में, और फिर हम देखेंगे कि क्या इसमें रियल में स्टेल्थ है, क्या हम इसमें छुप के साइलेंट किलिंग कर सकते हैं। अभी तक तो यहाँ पे खाली स्नाइपिंग देखने को ही मिली है मुझे, और यहाँ पे भी स्नाइपिंग ही देखने को मिल रही है। और गाइस ये आप देख सकते हो पूरा स्टेल्थ बेस्ड स्क्रीनशॉट है, साफ साफ जो पीछे से हम साइलेंट किल करते हैं वैसे किल है ये, तो मतलब स्टेल्थ बेस्ड गेम है। उसके बाद गाइस गेम की आप अगर बात करते हो ऊपर जो जैनर से, जैनर में भी गाइस स्टेल्थ बेस्ड गेम लिखा था लोगों ने, तो है स्टेल्थ इसमें थोड़ा सा। और यहाँ पे जो है ऑथेंटिसिटी चाहिए, एनवायरमेंट, स्नाइपर चॉइस, मल्टीप्लेयर गेम टाइप भी है, मतलब ऑनलाइन भी आप प्ले कर सकते हो इसको अगर आपने सही वर्जन कराए क्लिक। अगर आपने गाइस यहाँ पे पायरेटेड वर्जन नहीं कराए, क्रैक वर्जन नहीं कराया, तो आप इस वर्जन के साथ आपको फुल वर्जन करना पड़ेगा, तो आप ऑनलाइन भी खेल सकते हो। डुअल कोर प्रोसेसर चाहिए, 2 GB रैम आराम से चल जाएगा, नॉर्मल सा इंटेल एसडी ग्राफिक कार्ड। अब गाइस बात कर लेते हैं गेम के जेनर्स, आप देख सकते हो स्नाइपर एक्शन स्टेल्थ वर्ल्ड वॉर कोऑप। तो गाइस यहाँ पे लोगों ने खुद लिखा है कि गेम में स्टेल्थ है, तो गाइस रियल में स्टेल्थ बेस्ड गेम है जब भी इधर लिखा हुआ है, तो ट्राई करो, स्टेल्थ बेस्ड गेम है और बहुत स्मूथ गेम चलने वाला है। अगर गाइस आपने स्नाइपर इलाइट की फ्रेंचाइजी टेस्ट नहीं करी है या कभी आपने स्नाइपर इलाइट का कोई गेम नहीं खेला है, तो भाई ये वाला गेम ट्राई करो, पक्का से बहुत बढ़िया गेम होने वाला है। तो गाइस चलते हैं लिस्ट के अगले गेम के साथ, वो स्नाइपर इलाइट का ही है लेकिन 3 है, ये स्नाइपर इलाइट 2 था, लेकिन गाइस जो स्नाइपर इलाइट 3 है वो पूरा ही रिमास्टर्ड वर्जन है स्नाइपर इलाइट 2 का। आपको गाइस यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो स्क्रीनशॉट्स, आप देख सकते हो कितने ज्यादा भाई ग्राफिक्स जो बढ़ चुके हैं। हमारे पिछले वर्जन में इतने तगड़े ग्राफिक्स नहीं थे और इस वाले वर्जन में तो भाई बहुत तगड़े ग्राफिक्स दिखा रही है। तो भाई ग्राफिक्स जो है पूरे बहुत ढंग से मतलब बढ़ा दिए हैं एकदम, और स्नाइपर इलाइट का 3rd वर्जन है। अगर आपने स्नाइपर इलाइट 2 ट्राई नहीं करा तो पहले 2 खेलो फिर 3 के लिए जाना। यहाँ पे भी आपको स्नाइपिंग मिलती है, यहाँ पे गाइस थोड़ी सी तगड़ी स्टाइल है, यहाँ पे देख सकते हो आप नाइफ से किल कर सकते हैं अपन आराम से। यहाँ पे आपको वेपन सारे देखने को मिल जाते हैं जो स्नाइपर इलाइट 2 में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा स्टेल्थ होने वाली है, साइलेंट किल्स थोड़े से ज्यादा और मजेदार होने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्नाइपर और सारे वेपन्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ गेम ऑनलाइन भी चल सकता है और नाइफ से भी किल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट्स में। तो बात कर लेते हैं कि गेम क्या है भाई, अच्छा है रियल में अगर आप खेलना चाहते हो स्टेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा गेम है, ट्राई करो इसको भी अगर ट्राई नहीं करा है तो। मैं तो गाइस इस गेम को खेल चुका हूँ स्नाइपर लाइट 2 को, और इस वाले को भी मैं जल्दी डाउनलोड करने वाला हूँ क्योंकि मुझे गेम स्क्रीनशॉट्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है भाई, और मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि यार क्या इसमें स्टेल्थ है। गाइस ये आप देख सकते हो नाइफ है हमारे बंदे के हाथ में और ये किल कर रहा है, तो गाइस ये स्क्रीनशॉट पूरा बता रहा है कि गेम में भाई बहुत बढ़िया स्टेल्थ होने वाली है। तो ट्राई करो इस गेम को भी गाइस अगर आपने ट्राई नहीं करा है, या आपने अगर स्नाइपर इलाइट की फ्रेंचाइजी ट्राई नहीं करी है तो ट्राई करो, लेकिन गाइस स्नाइपर इलाइट 1 मत कभी खेलना क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा ग्राफिक्स में लो है और उसकी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं लगेगी, आपको बोर हो जाओगे। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, इसमें 3D स्नाइपिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी, 3D स्नाइपिंग बहुत मजे आते हैं देखने में, तो इसलिए गाइस इस गेम को भी एक ट्राई दो।
ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अब हम चलते हैं गेम के स्पेक्स के साथ, क्योंकि यार हर गेम के स्पेक्स बहुत जरूरी होते हैं। तो गाइज मैं आपको सारे डेवल कर प्रोसेसर और 2GB रैम वाले गेम बता रहा हूँ, जिससे कि गाइज आपको कोई परेशानी ना हो, स्पेक्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। डेवल कोर सीपीयू चाहिए, डेवल कोर सीपीयू 2GB रैम, इंटेल एसडी ग्राफिक्स और 18GB हार्ड ड्राइव स्पेस, तो आराम से रन होने वाला गेम है, कुछ भी इतना भारी नहीं है। स्पेक्स की बात करते हैं तो बिल्कुल भी गेम इतना भारी नहीं है, तो ट्राई करो गेम को, आराम से स्मूथ चलेगा, कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं हमारी लिस्ट के अगले गेम के साथ। तो गाइज मैंने यहाँ पे आपको टोटल 4 गेम्स बता दिए हैं स्टेल्थ के। पहला गेम हमने लिया था हिटमैन एब्सोल्यूशन, स्नाइपर लाइट 3 था हमारा चौथा गेम, स्नाइपर लाइट 2 था हमारा तीसरा गेम, और दूसरा गेम था स्प्लिंटर सेल कनेक्शन। अगला गेम आता है गाइज स्प्लिंटर सेल ब्लैकलिस्ट, बात कर लेते हैं स्क्रीनशॉट्स की। पूरा स्टेल्थ बेस्ड गेम है, बहुत तगड़ी स्टेल्थ है, यहाँ पे आपको तगड़ी शूटिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको स्नाइपिंग भी मिलती है। यहाँ पे गाइज आपको सारी गन्स देखने को मिल जाएंगी, AK-47 से लेके साइलेंस पिस्टल तक, और यहाँ पे बॉम्बिंग भी है थोड़ी बहुत, यहाँ पे आप नाइफ से किल कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप नाइफ ले रखा है यहाँ पे हमारे बंदे ने, तो गाइज नाइफ के भी किल्स यहाँ पे होते हैं, तो बहुत अच्छा गेम है। अगर आपने ट्राई नहीं करा तो ट्राई करो गाइज। ये गेम जो ये हिटमैन एब्सोल्यूशन के जितना ही हार्ड ड्राइव स्पेस लेगा, यानी ये थोड़ा बड़ा गेम है, इसकी हार्ड ड्राइव स्पेस लगभग 25GB होनी चाहिए, 25GB लेता ही है। ये गेम भी गाइज मैंने खेल रखा है, मेरे पास ये भी गेम पड़ा है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये गेम को भी आप एक बार ट्राई करो। उसके बाद बात कर लेते हैं इस गेम में कि कितने मिशन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आराम से 15-20 मिशन देखने को मिल जाएंगे, और ग्राफिक्स जो है बहुत अच्छे होने वाले हैं। देख सकते हो गाइज आपके आंखों के सामने है ग्राफिक्स, तगड़ी शूटिंग है, तगड़ी स्टेल्थ है, बड़े बड़े मिशन करने होते हैं, डेटा हैक करना होता है, एनिमी के घर जाके उसको मारना होता है, स्टेल्थ ही देख सकते हो, स्पाइस वर्सेस मैक्रोस, तो बहुत अच्छा गेम होने वाला है यार, ट्राई करो। और FPS शूटिंग भी है इसमें थोड़ी बहुत, तो बहुत बढ़िया गेम है। और बात कर लेते हैं गेम के स्पेक्स की, क्योंकि जब हम कोई भी गेम देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके स्पेक्स की ही बात करते हैं। तो सारे गेम्स के स्पेक्स सेम है, कोर स्टूडियो प्रोसेसर चाहिए, 2GB रैम चाहिए, 25GB अवेलेबल स्पेस कहा था मैंने, 512MB रैम, और डायरेक्ट एक्स 10 यानी इंटेल HD ग्राफिक्स आराम से रन कर लेगा, डायरेक्ट एक्स 9 में भी रन हो जाएगा इवन लोएस्ट, तो आप आराम से प्ले कर सकते हो, बहुत अच्छा गेम है, ट्राई करो गाइस। स्टेल्थ बेस्ड गेम की लिस्ट जो है ये बहुत बड़ी लिस्ट थी। इसके बाद इस लिस्ट में मेरे हिसाब से गाइस अभी एक गेम और बचा है, और जो लास्ट गेम होगा मेरी लिस्ट का, मैंने गाइस आपको 5 गेम्स बता दिए हैं, जो लास्ट गेम होने वाला है वो बहुत ज्यादा ही तगड़ा गेम होगा भाई। लास्ट गेम असासिन्स क्रीड का मैं लेना चाहूंगा, और गाइस वो गेम जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, मेरे को मेरे स्टीम पे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने स्पेशली ब्राउजर खोला है, तो ये असासिन्स क्रीड भी है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस ये गेम स्टीम पे चल रहा है, आप देख सकते हो, तो इसके स्क्रीनशॉट हम ऑफिशियल स्टीम वाले स्क्रीनशॉट्स देखेंगे वापस, बहुत अच्छे स्क्रीनशॉट्स हैं। जिनको असासिन्स क्रीड की फ्रेंचाइजी पसंद है और लो एंड पीसी पे खेलना चाह रहे हैं असासिन्स क्रीड का ही गेम लेकिन अच्छे ग्राफिक्स वाला, तो असासिन्स क्रीड 3 से अच्छा कोई भी गेम नहीं है, बहुत लो स्पेक्स हैं, ट्राई करो। यहाँ पे आपको 2GB रैम चाहिए, नॉर्मल ड्यूल कोर प्रोसेसर, डायरेक्ट एक्स 10 का सपोर्ट, 17GB हार्ड ड्राइव स्पेस, और एक इंटेल HD ग्राफिक्स कार्ड नॉर्मल सा, तो बहुत अच्छा गेम होने वाला है, बहुत स्मूथ चलेगा, और इसको भी ट्राई करो, क्योंकि यार असासिन्स क्रीड जिसको अच्छा लगता है वो असासिन्स क्रीड को ट्राई कर सकता है, तो असासिन्स क्रीड 3 के लिए मैं बोलूंगा। अब गाइस मैं आपको स्प्लिंटर सेल कॉन्विक्शन का गेम प्ले दिखा देता हूँ, जो मैंने रिकॉर्ड करा था, और ये मेरे पास बहुत पहले से रिकॉर्डेड पड़ा है। इस गेम का फर्स्ट मिशन है पूरा मिशन गाइज ये बहुत बड़ा था, 20-30 मिनट्स का था, यहाँ पे मैंने इसकी एडिटिंग करी, आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे हम पाइप पे चढ़ सकते हैं, ये पाइप पे गाइज हम इधर उधर देख सकते हो गाइज, आप पाइप से मैं इधर उधर चल रहा हूँ, पाइप पे चढ़ सकता हूँ, स्पेस टू क्लाइंब ऑन अ पाइप, अगर आप गाइज स्पेस दबा देते हो तो आप पाइप पे चढ़ जाओगे, ऐसे आप लाइट्स भी बंद कर सकते हो और स्पेस दबाते गाइज देख सकते हो पाइप पे चढ़ गया, तो गाइज बहुत अच्छा गेम है, इस गेम को ट्राई करो, मैं कहूँगा कि इससे अच्छा गेम आपको नहीं मिलने वाला स्टेल्थ में। और गाइज वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, पाइप पे चढ़ के पीछे से भी आप सब किल कर सकते हो, तो गाइज बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और गाइज और ऐसे अच्छे से अच्छे गेम मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बाय बाय गाइज।